बदायूं के अलापुर थाना क्षेत्र के कुपरी गांव में लेखपाल की पिटाई का मामला सामने आया है। अवैध निर्माण रोकने गए लेखपाल पर एक दंपत्ति ने हमला कर दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने लेखपाल को गांव के एक घर में छुपाकर उसकी जान बचाई, तो वहीं मौके पर आई पुलिस ने लेखपाल की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो आपको बता दें कि बदायूं का ये पूरा मामला है, जहाँ पर आलापुर थाना क्षेत्र के कुपरी गांव में लेखपाल की पिटाई का मामला सामने आया है। अवैध निर्माण रोकने के लिए गए लेखपाल पर एक दंपत्ति ने हमला कर दिया और उसके बाद ग्रामीणों ने लेखपाल को गांव के एक घर में छुपाकर उसकी जान बचाई। मौके पर आई पुलिस ने लेखपाल की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से दंपत्ति लेखपाल की पिटाई कर रहा है। और इस मामले में और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सौरभ शर्मा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। सौरभ, पूरा मामला क्या है? जी, मैं आपको बताऊं कि एक लेखपाल है जो कि एक विवादित जमीन से कब्जा हटवाने को गया था। उसी दौरान जिस व्यक्ति ने जमीन से कब्जा किया हुआ था, उसने और उसकी पत्नी ने इस लेखपाल के साथ अभद्र व्यवहार किया और गाजी गलौज करने के साथ साथ हाथापाई भी की। गाँव के अन्य लोगों ने लेखपाल को बचाने का प्रयास किया और बामुश्किल लेखपाल को वहां से बचाते हुए लाए। उसके बाद में जो आरोपित है वो और उसकी पत्नी लेखपाल के पीछे लगे रहे, लगातार उसके साथ धक्का मुक्की करते रहे। मामुस्ती गांव के लोगों ने घर में उसको घुसाकर लेखपाल को बचाया। जी, अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस का क्या कुछ कहना है? क्या तहरीर दर्ज की गई है इस मामले में अब तक? जी, मैं आपको बताऊं कि इस मामले में जब लेखपाल के साथ घटना हुई, उसके बाद लेखपाल थाना अलापुर में गया और उसके बाद उसने तहरीर दी, लेकिन वहां पर पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज कर दिया। उसके बाद काफी सारे लेखपाल संगठन के लोग इकट्ठे हुए और उसके बाद जो है पुलिस ने जाकर मुकदमा दर्ज किया है। चलिए सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।